अविनाश प्रो पे, क्योंकि जो आईटी काउंटर्स हैं एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी, बट विप्रो के नतीजों के बाद, स्पेशली विप्रो को अगर देखें तो लगातार स्टॉक की पिटाई हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं, ये एंट्री लेना चाहते हैं तो विप्रो पे आप क्या सुझाएंगे, अभी ले एंट्री या फिर थोड़े से और वेट करें कि निचले स्तरों पर और एंट्री के मौके मिल सकते हैं? मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा इंतजार काफी डिसअपॉइंटिंग आ गए थे। सबसे बड़ी बात, गाइडेंस भी बहुत कम था, करीबन 2 से 4% का गाइडेंस इन्होंने दिया है। तो मेरे ख्याल से कम एक या दो क्वार्टर्स थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। इस स्टॉक में कोई बड़ी लंबी तेजी इमिडिएटली आएगी ऐसा लगता नहीं है। लॉन्ग टर्म में जरूर इस कंपनी का निवेश अच्छा पैसा बना के देगा, लेकिन जो एंट्री लेवल है उसके लिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इंतजार करे। मैं समझता हूँ कि मार्च का क्वार्टर के बाद होपफुली थोड़ी सी और क्लियरिटी, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार का गाइडेंस इन्होंने दिया है मुझे लग रहा है कि मार्केट्स भी इस स्टॉक को इमिडिएटली रीरेट नहीं करेगा। तो मार्च अप्रैल तक वेट करिए, जब चौथा तिमाही आएगा उसके बाद एनुअल कॉमेंट्री आएगी, गाइडेंस आएगा, तो उसके बाद एक एंट्री पॉइंट बन सकती है। तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट, बट फिलहाल इस लेवल पे इंतजार करें। ठीक है, तो राजेंद्र जी अभी फिलहाल इन स्तरों पे आपको इंतजार करना है विप्रो में, के बाद देखेंगे कि क्या करना है जिस तरह की कंपनी नतीजे पोस्ट करती है। नमस्कार सर, जी मेरे पास विप्रो के शेयर हैं 608 के दाम पे, 400 शेयर, 3 महीने का अवधि है। 3 महीने का नजरिया है सर विप्रो में, बताइए क्या करें। 608 रुपये की प्राइस पे उन्होंने खरीदे 400 शेयर। विप्रो जी विप्रो, काफी 3 महीने का नजरिया है इनका सिर्फ। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक कंपनी थोड़ी बंद होनी है, आप होल्ड कीजिए, विप्रो में थोड़ी नुकसान करता है कोई, इनमें मल्टी बैगर्स हुए हैं लोगों के, इन्होंने निवेश किया है। हाँ गिरावट हुई है, 725 से अब 500 देख रहे हैं, ऐसे भी कीजिए यहाँ पर। नहीं लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ 3 महीने ही रखेंगे इसको, ऊपर या नीचे की तरफ। 3 महीने का नजरिया नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ओके अगर 3 महीने का नजरिया है तो विप्रो क्यों, फिर तो रिलायंस रख लीजिए, एचडीएफसी रख लीजिए। हाँ ठीक है, तो अमित जी आप इसमें थोड़ा सा नज़रिया बड़ा करिए, स्टॉक बढ़िया है और इस समय बाजार के थपेड़ों में ऊपर नीचे हो ही रहा है। प्रसन्नजीत बोरो असम से हमारे साथ हैं। प्रसन्नजीत जी, जी